देखिए, पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से माननीय प्रियंका गांधी जी ने कहा कि 40% अब महिलाओं को हम लेंगे, उनको हक देंगे। काजल निषाद तो कांग्रेस में ही थी भैया, काजल निषाद महिला थी, लड़ती थी, लड़की थी, लड़की थी, लड़ती थी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सब करती थी। उसके बाद काजल निषाद को तो मान सम्मान नहीं दिया, किस मान सम्मान की बात करते हैं ये लोग। इन लोगों ने कहा, कल प्रियंका जी ने कहा कि हम जातिवाद नहीं करेंगे, हम जो लड़ सकते हैं ऐसी महिलाओं को लेंगे। काजल निषाद तो लड़ रही थी, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, बोलने की बातें है, बयानबाजी है, देख लेंगे अब क्या करेंगे। और हमेशा ही समाजवादी पार्टी ने महिलाओं का साथ दिया है। और तो क्या प्रियंका गांधी भी जुमलेबाजी कर रही है क्या? देखिए, ये जब जैसे ही चुनाव करीब आता है बहुत बयानबाजी शुरू हो जाती है, बहुत सारे बयानबाजी शुरू हो जाती है, बहुत सारी योजनाओं बनने लगेगी, हम बनाएंगे, हम 15 लाख देंगे, अब कहेंगे हम 25 लाख देंगे, बहुत सारी बातें ये लोग करेंगे। ये सिर्फ जुमलाबाजी है। जहाँ महिला थी वहाँ महिलाओं का मान सम्मान क्यों नहीं दिया? तब तो फोन नहीं उठाते थे, उस महिला को जाना पड़ा कहीं और। और ये महिलाओं की बात का उद्घाटन करना है। उन्होंने ये कहा कि इससे पूर्वांचल का विकास होगा, जो किसान हैं, जो व्यापारी हैं, जो और भी तमाम लोग हैं, उससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पूर्वांचल एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? वो एयरपोर्ट जो अखिलेश यादव ने उसकी सारी व्यवस्था की, जमीन की, सैयानाश की सारी व्यवस्था के लिए यादव मुख्यमंत्री है, तब की थी, बनना भी शुरू हुआ था। अब इनका तो दूसरे का नाम का फीता काट करके अपनाना है अपने को, इससे किसान, गजदी, गरीब मजदूर का कोई फायदा नहीं होता। जो बड़े पूंजीपति और पैसे वाले लोग थे उनको बौद्ध जी का दर्शन करने, उनके निर्वाण दिवस स्थान को देखने के लिए थोड़ा जल्दी पहुँचने की सुविधा जरूर मिलेगी, लेकिन इससे किसान, गरीब मजदूर का कोई लाभ मिलने वाला नहीं। उन्होंने जिस तरीके से इशारा किया कि पूर्वांचल में एक विकास की नई धारा, अब भारतीय जनता पार्टी विकास किसको कहते हैं पता ही नहीं है, प्रधानमंत्री लेकर मुख्यमंत्री का। इसलिए परसों मैंने कहा था हाउस में कि मुख्यमंत्री जी बहुत हम पर कटाक्ष करते हैं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ, सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़े मठ के पीठाधीश्वर हैं। ये कई बात है कि इनका सच से दूर दूर तक लगा रहे हैं। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर जो है आज यूपी सरकार ने अपना जारी किया है रिपोर्ट जो है दिया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई यूपी सरकार को। उसने कहा कि 44 गवाहों में से महज आपने अभी तक 4 गवाहों का ही बयान दर्ज किया, लिहाजा ऐसा लगता है कि आप जो है मामले से खुद को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम कर रहे हैं, क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी हर जिम्मेदारी से भाग रही है, क्राइम रोकने में नाकाम है, उसी के पार्टी के लोग अधिक क्राइम भी कर रहे हैं, तो बचाएंगे ही अपनी पार्टी को। सुप्रीम कोर्ट पहली बार नहीं, दर्जनों बार फटकार लगा चुका है, यहाँ तक कह चुका है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम, माननीय उच्च न्यायालय ने भी कह चुका है उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम।